हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। माय नेम इज़ राहुल एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। बेसिक एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हमें करने वाले हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, वो उनका नाम है विशाल यादव। तो उन्होंने मुझे चार क्वेश्चन भेजा था एंड उन्होंने इसमें बोला था कि जो प्रॉब्लम फोर है उस पर वीडियो बनाओ। ओके, तो ये प्रॉब्लम फोर जो क्वेश्चन है उसका मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेश कर दिया। ओके, एंड अभी हम जो क्वेश्चन है इसको रीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ नंबर, प्रिंट द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ करस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर। उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सपोज अगर हमारे पास जनवरी मंथ है, ठीक है, जनवरी मंथ में कितना डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो हमें सिंपल वही प्रिंट करना है कि अगर जैन मीन्स क्या हो गया, मेरा नंबर 1 हो गया, अगर यूज़र 1 डालता है तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 31। इस तरीके से अगर मुझे दिसंबर का चाहिए था, ओके, तो यूज़र यहाँ पर 12 डालेगा एंड मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए 31, यानी दिसंबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। एंड अगर मैं 11 डालता हूँ तो 11 मीन्स हो जाएगा मेरा नवंबर, ठीक है, नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। सिंपल हमें यही कोड में हमारा कोड का आउटपुट है। तो अभी इसके बाद हमें यहाँ पे नोट दिया है कि इन द केस इनपुट इज़ फेब्रुवरी देन प्रिंट 28 डेज। ओके, अगर इनपुट हमारा फेब्रुवरी होता है, जस्ट लाइक अगर हमारा इनपुट 2 होता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, 28 डेज प्रिंट करना है, क्योंकि फेब्रवरी में आप लोगों को मालूम है कि 27 एंड 28 डेज दोनों होता है। तो अगर हमारा फेब्रवरी आता है, अगर यानी हमारा यूज़र 2 इनपुट लेता है, तो हमें 28 डेज प्रिंट करना है, मीन्स खाली 28 डेज। ओके, एंड ये हो गया हमारा एक बेसिक सा इनपुट था कि हमें इनपुट में मंथ नंबर लेना है, इनपुट लेना है, हमें इंटीजर लेना है एंड उसका क्या हो जाएगा, हमारा उसमें मंथ नंबर लेना है। हमारा आउटपुट डिस्क्रिप्शन क्या है, फाइंड द डेज इन अ मंथ करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट नंबर, प्रिंट एरर इफ द इनपुट इज़ नॉट वैलिड रेंज। ओके, अगर हमारा अगर सपोज 10 से लेकर दिसंबर तक 12 ही मंथ होते हैं, ओके, अगर यूज़र अगर 13, 14, 15 डालता है, मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है कि ये एक एरर है, ये खाली ये मैसेज प्रिंट करना है एरर। ओके, एंड सैंपल इनपुट क्या है मेरा, अगर यूज़र 8 डालता है तो मुझे खाली 31 प्रिंट करना है। तो अभी हम इसको दो वे से अचीव कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो हमारा पहला प्रोग्राम है, जो हमारा पहला लॉजिक है, हम इसको इफ एल्स से कर सकते हैं, इफ एल्स मेथड से कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड है, हम इसको स्विच से भी कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैं इफ एल्स से करने वाला हूँ, मैं बताता हूँ कि इफ एल्स से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यूज़र से हमें एक नंबर ले लेना है। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक मैंने ले लिया n इज़ इक्वल टू 3 ले लिया। अभी मुझे यहाँ पे मुझे मालूम है कि n इज इक्वल टू 3, यानी मेरा मार्च का मेरा आउटपुट क्या आएगा, 31 आएगा। ओके, बट इसको अभी हमें कोड में कन्वर्ट करना है, ये लॉजिक को हमें कोड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो लॉजिक काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना है, तो मैं कुछ भी एक फंक्शन बना लूँगा, फंक्शन लिख दूंगा मैं एंड फंक्शन का नाम। ओके, तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ मंथ डेज एंड इसके अंदर यहाँ पे मैं n पास कर दूंगा, जो मैं n लूँगा यहाँ पे मैं n पास कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इफ़ कंडीशन लाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं इफ़ से अचीव करने वाला हूँ। हम इसको स्विच कंडीशन से भी कर सकते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको इफ़ से करना है तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। सिंपल मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे जानना है कि कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं एंड कौन से मंथ में 30 होते हैं एंड कौन से मंथ में 28 डेज होते हैं। तो मैं जाता हूँ क्रोम में एंड यहाँ पे मैं मंथ डे सर्च करूँगा, तो आप इससे यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है कि जो मेरा जनवरी है उसमें 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, 31, मई में, फिर ऐसे करके मुझे इफ़ कंडीशन में सबको डालना है। मुझे मैं अभी इफ़ कंडीशन में डालता हूँ सबको, तो मैं लिखूँगा इफ़ जो मेरा एन का वैल्यू है, इफ़ मेरा एन का वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 होता है और n का वैल्यू इज़ इक्वल टू 3 होता है और n का वैल्यू इज़ इक्वल टू 5 होता है और n का वैल्यू इज़ इक्वल टू 7 होता है और n का वैल्यू इज़ इक्वल टू 8 होता है और n का वैल्यू इज़ इक्वल टू 10 होता है और n का वैल्यू इज़ इक्वल टू 12 होता है। इतने सारे कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि जो मेरा वैल्यू है मैं इसको प्रिंट कर दूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा 31। यहाँ पे हमें रिटर्न करना है, मैं अभी क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। ओके, यहाँ पे मेरा हो जाएगा इफ़ मेरा 31 प्रिंट हो जाएगा। ओके,
एंड सेकंड मुझे आना है इल्स एल्स इफ में। अभी एल्स इफ में किसका लिखूंगा, पहले 30 का लिखूंगा। ओके तो 30 का कौन कौन से मंथ में आता है, फोर्थ मंथ में आता है, लिखूंगा एन इजिक्वल टू 4 और एन इजिक्वल टू 6 और एन इजिक्वल टू 9 और एन इजिक्वल टू 11। अगर इतने सारे आते हैं तो जो मेरा, अगर इतने सारे आते हैं तो मेरा जो, मैं क्या प्रिंट करूँगा, प्रिंट कर दूंगा मैं 30। ओके के बाद मैं एक एल सी फॉर लगाऊंगा, मैं एल सी में लगा रहा हूँ केवल फेब्रुवरी के लिए। उसने क्वेश्चन में हमारे मेंशन, अगर हमारा फेब्रुवरी होगा तो हमें केवल प्रिंट करना है 30। ओके तो मैं लिखता हूँ इफ़ एन इजिक्वल टू 2 होता है मेरा, मैं लिख दूंगा प्रिंट 28 days। एंड उसके बाद अगर मेरा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से कुछ भी आएगा तो ये मेरा 31 30 एंड 28 प्रिंट करेगा। अगर इसके अलावा कुछ नंबर्स आते हैं तो मुझे प्रिंट करना है एरर, तो मैं सिंपल लिख दूंगा प्रिंट एरर। ये था हमारा एक डमी, डमी बोल सकते हैं या तो आप बोल सकते हैं कि हमारा एक लॉजिक पार्ट था ये कोड का। ओके तो अभी हम जो हमने इस लॉजिक को लिखा, अभी हम इस लॉजिक को कन्वर्ट करते हैं अपने कोड में। काफ़ी सिंपल है, हमने जो लॉजिक लिखा उसको हमें कोड में भी कन्वर्ट करना है। तो अभी जाता हूँ मैं अपने एडिटर ओपन करता हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक एडिटर ओपन करता हूँ, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। यहाँ से मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और मैं फाइल को सेव करता हूँ, और मैं फाइल को सेव कर देता हूँ अपने म्यूजिक फोल्डर में सेव करता हूँ अभी के लिए। और मैं फाइल का नाम देता हूँ index.html। मैं एक नया और फाइल बनाऊंगा, वो तो भी सेव करूंगा एंड उसका नाम दे दूंगा मैं index.js। सबसे पहले हमें एक सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर लिखना है, तो मैं लिखूंगा HTML। और जैसे टैब मारूंगा तो सबलाइन मुझे HTML का एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक दे देता है। यहाँ टाइटल में मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन मंथ। एंड अभी मैं बॉडी में जाता हूँ, एंड बॉडी में मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ बॉडी में लिखना नहीं है, तो मैं एक H1 टैग लगा दे रहा हूँ मैं, और मैं सेम यही फिर से लिखूंगा नंबर ऑफ डेज इन मंथ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड अभी मुझे सेकेंड थिंग क्या करना है कि मुझे जो मैंने इंडेक्स डॉट जेएस बनाया है, मुझे उसको उसके यहाँ पे लिंक करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट लिखना है। एंड उसके बाद मुझे लिखना है src इज इक्वल टू, अभी मेरा फाइल का नाम क्या है, index.js। ओके तो यहाँ मैं लिखूंगा index.js। ओके एंड यहाँ से इसको सेव करता हूँ फाइल को, और मैं अभी अपना आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ console.log। और यहाँ पे मैं एक console.log कर रहा हूँ, देखता हूँ कि मेरा लिंक हुआ कि नहीं फाइल। मैं जाता हूँ अभी index.html को अभी मैं रन करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने म्यूजिक फोल्डर में और index.html को रन करता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे मेरा ये तो प्रॉपर हो गया, फिर मैं F12 दबाता हूँ एंड कंसोल में जाता हूँ अपने। ओके तो आप जैसे यहाँ पे मेरा राउल प्रिंट हो गया, मीन्स मेरा index.html index.js से कनेक्ट हो गया है। ओके एंड अभी मुझे लॉजिक लिखना है नंबर ऑफ डेज इन मंथ का लॉजिक। ओके तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं फंक्शन बनाता हूँ, मैं लिखूँगा फंक्शन और मैं फंक्शन का नाम दे दे रहा हूँ मंथ डेज, और मैं यहाँ पे एक एन पास कर रहा हूँ। अभी मैं एन को नीचे मैं डिक्लेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने ये लॉजिक पार्ट में लिखा था, हम एग्जैक्ट वही लिखने वाले हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम लिखने वाले हैं। खाली हमने उसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था, हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं। ओके तो यहाँ पे मैं पहले इफ़ लगाता हूँ, इफ़ एन इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू 5 और एन इज इक्वल टू 7 और एन इज इक्वल टू 8, एन इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 12। तो मैंने सबको और लगा दिया, मैंने यहाँ पे मैं एंड और एंड भी लिख सकता था या तो और भी लिख सकता था। ओके बट यहाँ पे मैं एंड लिखता हूँ, तो एंड स्टेटमेंट एंड क्या करता है एंड ऑपरेटर, कि अगर मेरा एन इज इक्वल टू 1 3 5 सब होगा तभी मेरा कंडीशन ट्रू होगा। और स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर उसमें से मेरा एक भी वैल्यू मैच होता है तो वो उस कंडीशन के अंदर आ जाएगा।
यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ एन इज इक्वल टू इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 8, 7, 8, 10, 12। अगर इसमें से कुछ भी नंबर्स आते हैं तो मैं सिंपली करूँगा रिटर्न कर दूंगा 31 को, ओके। एंड सेकेंड मैं लिखूंगा एल्स इफ, और मैं एल्स इफ में करूँगा अभी 30 के लिए, ओके। तो मैं लिखूंगा एन इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4 और एन इज इक्वल टू 6 और एन इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 11, ओके। अगर इसमें से कुछ नंबर्स आते हैं तो मैं रिटर्न कर दूंगा 30, राइट। एंड उसके बाद मैं लिखूंगा else if, मैं क्या करूँगा n इज इक्वल टू 2 होता है, मेरा एक स्पेसिफाई कंडीशन था, अगर n इज इक्वल टू फेब्रुवरी होता है एंड 2 होता है, मुझे रिटर्न करना है 28, ओके। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न 28, ओके। एंड लास्ट मेरा है, अगर इसमें से कुछ नंबर्स नहीं आते हैं, मुझे क्या प्रिंट करना था, एरर, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, और रिटर्न मेरा ये स्ट्रिंग में रहेगा, तो मैं लिखता हूँ एरर, ओके। एंड ये हो गया मेरा फंक्शन, ओके। तो अभी मैं करता हूँ एक नंबर लेता हूँ, लेट एन इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 3, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ मंथ डेज, यहाँ पे मैं एन जो बना हमने बनाया था एन को पास करता हूँ, और ये फंक्शन को मैं एक वेरिएबल में डिक्लेयर, मतलब वेरिएबल में असाइन कर दे रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ आंसर इज इक्वल टू मंथ डेज, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ आंसर, कंसोल डॉट लॉग आंसर, एंड यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ एंड अभी रन करता हूँ अपने क्रोम में जाके। एंड जैसे ही मैं रन करूँगा मेरा क्या है, एन इज इक्वल टू 3, यानी मेरा क्या मार्च मंथ है एंड मेरा मार्च मंथ 31 का है, आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरा 31 मुझे आउटपुट मिल गया। अगर यहाँ पे मैं 4 करता हूँ तो मेरा 4 का एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 30। अभी हम उसको भी करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे 30 मिल गया। एंड अभी मैं 2 को करके देखता हूँ, 2 पे मेरा 28 आना चाहिए, तो यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 2 पे 28 आ रहा है। एंड अभी मुझे मैं क्या रहता हूँ, अगर मैं 13, 14 कुछ नंबर्स डालता हूँ तो मुझे एरर प्रिंट करना चाहिए। यहाँ पे मैं डालता हूँ 13, इसको सेव करता हूँ, मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ जैसे, तो मुझे एक मैसेज प्रिंट हो गया एरर। तो ये था हमारा मंथ ऑफ डेज का लॉजिक। लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।